फ्रेंड्स, इस तरह टेस्टी टेस्टी सा मलाईदार और रबड़ीदार खीर चलिए बनाया जाए, चावल का खीर। हेलो फ्रेंड्स, मैं रूपा हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ कार्तिक पूर्णिमा स्पेशल चावल की खीर। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी समय मेरे साथ मेरी वीडियो में बने रहिएगा, स्किप मत कीजिए। फ्रेंड्स देखिए, दूध में उबाल आना शुरू हो गया है। पहले से तो दूध हम उबाल के रखे ही हैं, अब बहुत ज़्यादा इसे उबालना नहीं है। इसी में क्या करेंगे, हम चावल को छान छान के डाल देंगे। खीर फ्रेंड्स कई तरह से लोग बनाते हैं, कोई चावल को भून के भी बनाते हैं और कोई मेरे जैसे यहाँ पर हम जो बना रहे हैं इस तरह भी बनाते हैं। आँच को हम धीमा कर दिए और चावल को मिक्स कर दिए फ्रेंड्स। पानी में सोख करके रखे थे तो छान छान के हम इसमें चावल ऐड किए हैं। पानी सहित चावल को ऐड नहीं करना है, सूप इसलिए किया जाता है ताकि जल्दी से चावल गल जाए। अब इसको धीमी आंच पर हम पकाएंगे फ्रेंड्स। और कभी भी खीर बनाइएगा फ्रेंड्स तो फुल क्रीम दूध के खीर बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है। और धीमी धीमी आंच पर पकाइएगा, इससे क्या होता है ना, खीर बहुत अच्छा बनता है। और खीर की चावल कोई भी ले सकते हैं, है ना। सिर्फ सेला के चावल छोड़ के बाकी नॉर्मल चावल अधिकतर लिया जाता है खीर के लिए, और बासमती है तो उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। और नया चावल है ना फ्रेंड्स तो उसे ज़रूर लीजिएगा, नया चावल का खीर ना बहुत ही लसूर बनता है। दूध अपने आप धीमी धीमी आंच से रबड़ीदार बनेगा और उसी में जो चावल पकेगा तो आपका खीर ना रबड़ीदार बनेगा फ्रेंड्स। ऐसा लगेगा जैसे खीर नहीं, चावल के खीर नहीं खा रहे, रबड़ी खा रहे, इस तरह का टेस्ट आएगा। तो चलिए इसे कुक कर लेते हैं तब फिर आपको दिखाते हैं। फ्रेंड्स देखिए, धीमी धीमी आंच पर खीर पक रहा था, है ना। बीच बीच में चला रहे थे, ऐसा नहीं कि एकदम से छोड़ दिए हैं, बीच बीच में चलाना पड़ता है फ्रेंड्स। धीमी आंच के बावजूद भी फ्रेंड्स दूध ना उफन के ऊपर ऊपर तक आता है और खीर नीचे सटे नहीं, इस बात को ध्यान रखना है। यहीं पर डालेंगे टेस्ट अकॉर्डिंग चीनी, है ना। चीनी थोड़ा सा हम कम डाल रहे हैं इस समय, बाकी आप अपनी इच्छा अनुसार चीनी डाल सकते हैं। यहाँ कितना मीठा खाना पसंद करते हैं उसी अनुसार। और यहाँ पर दो हरी इलायची हम कूट लिए हैं तो कूट के हम इसका बीज बीज डालेंगे, साथ में सब डाल देंगे। और फ्रेंड्स यहीं पर हम काटे हैं गरी है और बादाम है, और यहाँ पर है किशमिश। ड्राई फ्रूट्स ना अपने आप अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं। अब इसे मिक्स कर देंगे, सिर्फ चीनी मेल्ट होते के साथ हम गैस को बंद कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स कितना बढ़िया खीर तैयार हुआ है। एक किलो दूध में एक से दो मुट्ठी चावल जाता है, इससे ज़्यादा कर दीजिएगा ना तो वो बहुत ही ज़्यादा सट जाएगा। ये सटने के बावजूद भी फ्रेंड्स, ये ठंडा होने के बावजूद भी ये खूब इसी तरह थोड़ा बहुत गाढ़ा होगा, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होगा, है ना। इसी अनुसार आप चावल का यहाँ प्रयोग कीजिएगा, नहीं तो चावल ज़्यादा हो जाएगा, दूध कम हो जाएगा, फिर खीर ना आपका अच्छा नहीं बनेगा। यहाँ मखाना हो तो मखाना का भी प्रयोग कर सकते हैं। खीर फ्रेंड्स मेरा रेडी हो गया है, अब गैस के आँच हम बंद कर देंगे और इसे आराम से ठंडा होने देंगे। फ्रेंड्स खीर हम चला के आपको दिखा रहे हैं, देखिए कितना ठंडा होने के बाद ये जम गया है, क्योंकि ये धीमी आंच पर पका है और नया चावल के यूज किए हैं। जो चावल के एक एक दाना दिख रहा होगा बिल्कुल गोल गोल मोती के तरह दिख रहा है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स देखिए गाढ़ा गाढ़ा खीर हमने तैयार कर लिया है और कितना परफेक्ट खीर बना है। इसी तरह आप भी हूबहू मेरी वीडियो के देखकर बनाइएगा। चलिए फ्रेंड्स इस खीर को अब सर्व कर लेते हैं।
फ्रेंड्स यहाँ पर खीर हमने सर्व कर लिया है, रबड़ीदार मलाईदार ये खीर बना है फ्रेंड्स चावल के। आप भी बनाइए एक बार, है ना, इस कार्तिक पूर्णिमा में निश्चित बनाइएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में फिर उपस्थित होंगे इसी तरह एक मज़ेदार से रेसिपी लेकर। तब तक के लिए राधे राधे फ्रेंड्स। जाते जाते लाइक तो करते जाइए, इतना देर तक मेरे साथ मेरी वीडियो में बने रहने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। फ्रेंड्स आप कब बना रहे ये भी कमेंट द्वारा जरूर बताइएगा।